नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको कीराटोसिस पाइलारिस इस कंडीशन की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। कीराटोसिस पाइलारिस इस कंडीशन को कई बार चिकन स्किन ऐसे भी कहा जाता है। जैसे हमें शरीर पे गूजबम्स आते हैं, वैसे ही कीराटोसिस पाइलारिस स्किन बहुत रफ होने पे नजर आती है। ये कई बार पिंपल्स की तरह दिखते हैं, ये कई बार गूजबम्स की तरह दिखते हैं, लेकिन दरअसल ये डेड स्किन होती है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करती है और वहां पे स्वेलिंग जैसा एक क्रिएट करती है। कीराटोसिस पाइलारिस रेड कलर का नहीं तो ब्राउन कलर का हो सकता है। कीराटोसिस पाइलारिस सबसे कॉमनली हाथ पर यानी कि अपर आर्म्स पे, चीक्स पे, बटक्स पे और थाइस पे दिखाई देता है, लेकिन ये कंडीशन कहीं पे भी डेवलप हो सकती है। कीराटोसिस पाइलारिस की कंडीशन ड्राई वेदर में ड्राई स्किन पे बहुत ज्यादा वर्सन हो जाती है। ड्राई स्किन हो, ड्राई वेदर हो, तो स्किन ऑलरेडी काफी रफ लगने लगती है, उस पे भी अगर कीराटोसिस पाइलारिस हो तो स्किन और भी ज्यादा रफ लगने लगती है। इस कंडीशन को परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस की मदद से इस कंडीशन को बहुत ज्यादा वर्स होने से हम बचा सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ जाती है ये कंडीशन अपने आप से रिजॉल्व होती है। ये कंडीशन यूजुअली टीनेजर्स में दिखाई देती है और 30 साल की उम्र तक अपने आप से रिजॉल्व हो जाती है। ड्राई क्लाइमेट और ठंडी के जैसे ही कीराटोसिस पाइलारिस प्रेगनेंसी में भी वर्सन हो सकती है। प्रेगनेंसी में अदरवाइज भी स्किन काफी ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से कीराटोसिस पाइलारिस जैसी कंडीशन वर्सन हो सकती है। यूजुअली इस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए आपके डॉक्टर एक थरो फिजिकल एग्जामिनेशन ही करेंगे। एक लेंस के साथ डॉक्टर आपकी स्किन को क्लोजली एग्जामिन करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक टेस्ट की यूजुअली इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही इस कंडीशन की डायग्नोसिस की जा सकती है। कीराटोसिस पाइलारिस अगर माइल्ड हो तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कंडीशन अपने आप से ही रिजॉल्व हो जाती है। यूजुअली 30 इयर्स की एज तक, 30 साल की उम्र तक स्किन अपने आप से हील हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कभी कभी अगर ये कंडीशन परसिस्टेंट रहे, अगर ये रफनेस वैसे ही रहे, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स का सुझाव दे सकते हैं। कुछ क्रीम्स होते हैं जो डेड स्किन को काफी इफेक्टिवली रिमूव करते हैं। यूरिया बेस्ड क्रीम, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड क्रीम, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम, लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, इन क्रीम्स की मदद से स्किन के ऊपर रहने वाली डेड स्किन काफी इफेक्टिवली निकल जाती है। इन क्रीम्स के एप्लीकेशन से डेड स्किन निकल जाती है और उसी की वजह से स्किन काफी प्लेन लगने लगती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको विटामिन ए डेरिवेटिव्स की क्रीम्स का सजेशन भी दे सकते हैं। रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स कीराटोसिस पाइलारिस नाम की कंडीशन पे काफी इफेक्टिवली काम करते हैं। रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स सेल के टर्नओवर को प्रमोट करता है और हेयर फॉलिकल्स को प्लग होने से यानी कि हेयर फॉलिकल्स को बंद होने से प्रिवेंट करता है। जब हेयर फॉलिकल्स को बंद होने से प्रिवेंट किया जाए तो उसके अंदर जमा सीबम की वजह से पिंपल्स की तरह डेवलप नहीं होंगे और स्किन अपने आप से काफी प्लेन हो जाएगी। मेडिकेटेड क्रीम्स के अलावा केमिकल पीलिंग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली अगर फेस पे कीराटोसिस पाइलारिस की कंडीशन हो तो केमिकल पीलिंग्स के द्वारा ऊपरी रफ लेयर को निकाल दिया जाता है और जिसकी वजह से ग्रेजुअली अंदर मौजूद हेल्दी स्किन को एक्सपोज किया जाता है। केमिकल पीलिंग की प्रोसेस को रेगुलर इंटरवल्स पे करवाना पड़ता है। इस प्रोसेस में एक केमिकल स्किन पे दिया जाता है और फिर धीरे धीरे करके इस केमिकल की वजह से स्किन का ऊपरी लेयर पील ऑफ हो जाता है। इस कंडीशन में माइल्ड बर्निंग हो सकती है और कभी कभी माइल्ड रेडनेस भी हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन की वजह से कीराटोसिस पाइलारिस काफी अच्छी तरह से क्योर हो सकती है। केमिकल पीलिंग की तरह ही लेजर के इस्तेमाल से भी स्किन काफी इवन हो सकती है और स्किन में से रफनेस काफी हद तक कम हो सकता है। मेडिकेटेड क्रीम्स और मेडिकेटेड प्रोसीजर्स के अलावा कुछ होम रेमेडीज भी होते हैं जिसकी मदद से कीराटोसिस पाइलारिस कुछ हद तक कम की जा सकती है। एक बहुत ही बड़ी गलती लोग करते हैं कि
चेहरे को गर्म पानी से धोते हैं या फिर नहाते समय बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे अगर किसी को केराटोसिस पाइलारिस की शिकायत हो तो उन्हें बहुत गर्म पानी अवॉइड करना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी नहाते वक्त इस्तेमाल करें। गर्म पानी अगर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से स्किन में मौजूद एसेंशियल ऑयल्स पूरी तरह से वॉश ऑफ हो जाते हैं और स्किन और भी ज्यादा ड्राई होने लगती है। नहाते समय स्किन पे हार्श साबुन का इस्तेमाल ना करें, माइल्ड साबुन का इस्तेमाल करें। जेंटली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, लेकिन एक्सफोलिएशन के लिए एक वॉश क्लॉथ का इस्तेमाल करें, यानी कि एक कपड़े का इस्तेमाल करें। जितना हो सके उतना लूफा का इस्तेमाल ना करें। अपनी स्किन को हेल्दी और मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए आप ओवर द काउंटर अवेलेबल मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मॉइस्चराइजर्स की मदद से स्किन के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। वैसे ही अगर आपके घर में आप रेगुलरली ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें तो घर की हवा ह्यूमिड रहने की वजह से स्किन की ड्राइनेस काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को केराटोसिस पाइलारिस की शिकायत हो रही है तो उन्हें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलने का सुझाव दें, ताकि उनके डॉक्टर उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है वो सजेस्ट कर पाए। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।